हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं अपनी मदर एंड चाइल्ड का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में मैं इसको पूरा फिनिश करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया होगा कि मैंने इसमें बेस कोड डाला था। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख ले, मैंने यहाँ पे कार्ड लगा दिया है तो आप वहां से इजिली जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बेस कोड डाल दिया था, सेकेंड पार्ट में आज मैं इसको फिनिश करूंगा पूरा। मैं इंट्रो पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जो पेंटिंग पीछे आप देख रहे हो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और इंट्रो बाद में रिकॉर्ड करने का रीज़न भी बताता हूँ, और थोड़ी सी जो वीडियो डिले हुई है उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब है, और अभी भी मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब एंड ऑफ द डे है, पेंटिंग कल जानी है, तो आज किसी भी हालत में मेरे को इंट्रो रिकॉर्ड करना ही था, बिकॉज कि मेरे को आपको पूरी पेंटिंग दिखानी है। और सेकंड रीज़न ये है कि इस पेंटिंग में जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं, और इसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती गई तो वो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया मेरे लिए, बट एंड ऑफ दिस डे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो डिटेल का पार्ट है वो कितना ज़्यादा है। ये पेंटिंग है, अभी इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही है कैमरे में, लेकिन अगर जैसे हम इसमें जूम आउट जूम इन करते हैं तो आप ये टेक्सचर्स आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर अलग टेक्सचर, अलग शेड्स, कितने ज़्यादा शेड डिवाइड हो रहे हैं। ये अगर आप यहाँ पर पार्ट देखोगे, ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे कितने ज़्यादा टेक्सचर्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब आप हम इसको दूर से देखते तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन जब हम इसको जूम इन करके देखते हैं, ऑब्वियस है जब हम अपनी पेंटिंग बनाते हैं तो हम हर पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके, ताकि हमें क्लियर दिखे कि क्या चीज़ है, कौन से कितनी डिटेल्स हैं, कौन सा कलर कितना ज़्यादा आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसको जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा था तो वो डिटेल ज़्यादा जैसे जैसे दिख रही थी उसके अकॉर्डिंग टाइम उतना ही ज़्यादा इसमें चला गया। तो इसी वजह से, इन दो रीजंस की वजह से वीडियो थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन एंड ऑफ द डे पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप अभी पेंटिंग का लीजिए मजा, जो पेंटिंग का प्रोसेस था, और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। और तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने इस पेंटिंग को बनाते हुए कितना कुछ सीखा है, और क्या क्या नया मेरे को सीखने को भी मिला है, और जो मैंने पहले से सीखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे कितना काम आया है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज, मैंने अपने कलर्स निकाल के रखे कि कौन से कलर मेरे यूज़ होने हैं इस पेंटिंग में, और इन सारे कलर्स को मैं टेस्ट कर चुका हूँ साइड में बना बना कर, अपने पैलेट में भी मैंने बना कर देखे हैं, थोड़े से मैंने इसमें चला कर भी देखे हैं अलग अलग तरीके से पेपर के ऊपर कि कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं मैच हो रहा है। तो कुछ सेलेक्टेड कलर्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। पहला हमारा ब्लैक, सेकेंड हमारा बेंसाना, थर्ड हमारा बर्नट अंबर, फोर्थ हमारा परमानेंट येलो मीडियम, फिफ्थ है हमारा परमानेंट ऑरेंज, और सिक्स्थ सैप ग्रीन, एंड सेवेंथ हमारा है टाइटेनियम वाइट, यानी कि सिंपल एक्रेलिक का वाइट। तो इन वाली टोन्स का मैं यूज़ करके इस पूरी पेंटिंग को बनाऊंगा, और यही सारी टोन्स हैं जो मेरे को इस पूरे रेफरेंस में दिखी हैं, और इन्हीं के थ्रू इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ मेरे यूज़ होने वाले हैं ब्रशेस, हॉग ईयर एंड सिंथेटिक दोनों, तो इन में से जोन जोन से मेरे को सही लगेंगे छोटे। और ख़ास करके देखो, पेंटिंग बड़ी है लेकिन इन छोटे ब्रशेस का ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज की डिटेल ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको शो किया तो डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, और डिटेल ज़्यादा होने के कारण हमें इन छोटे छोटे ब्रशेस का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इस बार इन वाले ब्रशेस का यूज़ करूँगा। जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था वो एक तरीके से बेस टोन को कवर करने के लिए और छोटे मोटे एरियाज के लिए काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन ये वाले जो ब्रश है तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है मेरे लिए इस वाले डिटेल्स को कंप्लीट करने के। सो गाइज, इस पेंटिंग में मैंने क्या कुछ सीखा है और कितना कुछ मैं इसमें कर पाया हूँ, कितना ज़्यादा क्या मेरे माइंड में थॉट्स आए हैं इसको बनाते हुए, ये क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो एक यूनिक वर्क है। बिकॉज कि क्या होता है मैक्सिमम टाइम पे कि जैसे हम कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं या किसी हमने सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाया तो उसको ऐसा देखा जाता है कि यस यू आर एन आर्टिस्ट, अगर आप कोई एक किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी बंदे का कोई आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो आप आर्टिस्ट की लिस्ट में काउंट होते हो। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि हम कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कम एप्रिसिएशन मिलता है, अकॉर्डिंग टू मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा जो बेसिक मोटिव होता है कि हाँ मैं कुछ नया करूँ, कुछ यूनिक करूँ, अपने आर्ट के थ्रू मैं चीज़ों को दिखाऊँ कि हाँ मैं
मतलब कितनी वैरायटी में बेसिकली आर्ट है। जस्ट बिकॉज कि आप एक पोर्ट्रेट बना लेते हो, आप सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से कुछ पोर्ट्रेट वगैरह बना रहे हो तो आप आर्टिस्ट की लिस्ट में हो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप आर्टिस्ट की लिस्ट में नहीं हो, आपको बेसिकली देखा भी नहीं जाता एक तरीके से, ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली मेरा एक छोटा सा मोटिव रहता है कि हाँ, अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो कुछ नया होना चाहिए बेसिकली, और कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप सीखें। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोलता कि हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट बनाने से हम नहीं सीखते, पोर्ट्रेट बनाने से हम सीखते हैं, लेकिन वो एक बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक रूटीन है और बेसिक एक लेवल है जो कि आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे पहले आता है, उसके बाद वो चीज़ें एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लोर करने बैठते हैं तो एक्सप्लोर करने में आपको हमेशा कुछ नया ड्रॉ करना है। ठीक है, अब बात करता हूँ जैसे कि मैं इस पेंटिंग को मैंने स्टार्ट करा, क्या कुछ मैंने इससे सीखा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, देखो स्टार्टिंग में हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम कुछ यूनिक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी नया हम बना रहे हैं या ऑन डिमांड हम काम कर रहे हैं और वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, यार ये एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा, एग्जैक्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अब मैंने अपने इस आर्ट के करियर में काफ़ी चीज़ें, मैंने यूनिक चीज़ें बनाई हैं, हर मीडियम के साथ मैंने एक्सप्लोर किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं आता, मेरे माइंड में भी हर टाइम कुछ भी नया स्टार्ट करने में क्वेश्चन ज़रूर आता है, बट मैं उसको कैसे फेस करता हूँ। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जिस भी तरीके से मैं इसको पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ या जिस भी तरीके से मैंने इसमें बेस टोन लगाया था, बेस टोन के बाद अब मैं इसमें फाइनल कोट्स लगा रहा हूँ, आई नो कि मैंने इसको पूरा फुल्ली शूट नहीं किया है, मैंने कुछ कुछ पार्ट को लेकर शूट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें टाइम लगा है एक तरीके से देखा जाए तो। मैंने 1 वीक सोचा था तो 1 वीक के अंदर मैंने काम कर दिया है, लेकिन उस पूरे 1 वीक में बहुत मैक्सिमम आवर्स मेरे को इस पर लगाने पड़े तब जाकर ये इतना आउटपुट आप देख पा रहे हैं। तो इस पेंटिंग में स्टार्टिंग में जब मैंने डिटेल स्टार्ट करी थी, जो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा होगा, जैसे कि जो फेस की डिटेल हो रही थी, तो वहाँ पर थोड़े ब्रशेस धीरे ही चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि शेड सही जा रहा है नहीं जा रहा है, एक्चुअल डिटेल आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी माइंड में थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको बना रहा था, जैसे जैसे मैं इसको देख रहा था और पेंटिंग को चेक जैसे कर रहा था, चेक कैसे करता हूँ मैं अपनी पेंटिंग को कि बनाया और थोड़ा सा दूर जाकर देखा, दूर जाके देखने में मेरे को काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिल जाता है, तो फिर चेक किया तो लगा कि हाँ इंप्रेशन आ रहा है, उसी के थ्रू मैंने इसमें फिर काम करना स्टार्ट किया। अब जिस ब्रश से मैं काम कर रहा हूँ, इसी छोटे ब्रश से ही मैंने मैक्सिमम तो कह नहीं सकते, पूरी की पूरी पेंटिंग ही मैंने इस ब्रश से बनाई है, क्योंकि सारी जगह पे छोटी छोटी डिटेल्स थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करी है, शो करी है, तो वहाँ पर हर जगह पे छोटी छोटी डिटेल्स थी, तो वो सारी मैंने इसी छोटे ब्रश से कंप्लीट की है। और जो लास्ट आउटपुट निकला है पूरी पेंटिंग के थ्रू, वो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा है, और काफ़ी मतलब इसमें एक तरीके से चैलेंजिंग था मेरे लिए कि हाँ कम टाइम में मैं इसको ज़्यादा अच्छा या जितना नेचुरल ये दिख रहा है उतना नेचुरल बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। एक चीज़ मैंने इसमें की है कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि जो रेफरेंस में बैकग्राउंड था वो एक एडिटिंग है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, पर उसमें क्या था कि वो थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल वाला लुक आ रहा था, तो और मेरे को एक पेंटिंग अगर मैं कोई बना रहा हूँ तो जिस वॉल पे वो लगनी है वहाँ पर वो लगती सार उसका ग्रेस और ज़्यादा आना चाहिए, तो मैंने इसके जो कलर्स थे, जो मेरे रेफरेंस में फोरग्राउंड में जो कलर्स थे उसके थ्रू ही मैंने बैकग्राउंड को चूज़ किया था, और फिर बैकग्राउंड में कलर डालकर उसको पूरा एक सिमेट्री रुख पे दिया था ताकि वो पेंटिंग का लुक ज़्यादा अच्छा दे। तो इसी वजह से मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया है, कलर उसमें चेंज किया, मैंने ग्रे वॉल्यूम नहीं डाला, बट अब वो देखते हैं जिनको पेंटिंग अपने घर में लगानी है उनको वही बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो वो ऑब्वियसली बात है चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को इस बैकग्राउंड के साथ ये पेंटिंग का जो लास्ट में लुक आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इस पेंटिंग से सीखी है। तो जितनी भी वीडियो में आपने क्लिप्स देखी हैं तो ये जस्ट एक दिन का काम नहीं है, ये काफ़ी सारे दिन का काम है, काफ़ी सारे आवर्स का काम है जो कि मैंने कंटिन्यूसली इस पर स्पेंड किया है अपने, और यही एक चीज़ होती है कि कितना आप पेशेंट रहते हैं अपनी एक पेंटिंग के साथ जिससे कि उसका लास्ट आउटपुट आप अच्छा दे सकते हैं। तो यही है जो मैंने इस पेंटिंग में सीखा है और जितना भी मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि पेंटिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और इस पेंटिंग में जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जितने भी मैंने आज इसके साथ स्पेंड किए हैं, जितना भी मैं इससे सीख पाया हूँ वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरे पॉइंट से कितना ज़्यादा एग्री करते हैं और आपके क्या थॉट्स हैं इस पेंटिंग के बारे में,
आई नो कि पेंटिंग मैंने टाइमलेस में दिखाई है आपको, लेकिन टाइमलेस में भी हम काफ़ी कुछ देख पाते हैं या काफ़ी कुछ हमें क्लियरली पता चल ही जाता है कि हाँ वो किस तरीके से या कितने एक तरीके से मेहनत से बन रही है। तो जितने भी चीज़ें मैंने आपको शो की है, आई होप कि आपको पूरी वीडियो और पूरा मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा जो मैंने इस पेंटिंग के साथ लिया है अभी तक। तो अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना पूरी वीडियो कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आने वाले टाइम में और भी कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ भी नया या कुछ भी ड्रॉ करना जो भी यूनिक होगा और ओरिजिनल करने की पूरी कोशिश रहेगी। जैसे कि मैं अपनी काफ़ी लास्ट वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मेरा जो फोकस होता है वो ओरिजिनल आर्टवर्क या कुछ यूनिक आर्टवर्क पे ज़्यादा रहता है। मैं कॉमन चीज़ें नहीं बनाना चाहता जो बाकी सब कर रहे हैं, और वो मेरे को ज़्यादा पसंद भी नहीं आती कि आपने पोर्ट्रेट बनाया और काम ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि मैं कुछ भी कलर्स के साथ एक्सपीरियंस करूँ या कुछ भी नया एक तरीके से डिज़ाइन करूँ अपने जो भी मैंने अभी तक अपने आर्ट के करियर में सीखा है, तो उसी के थ्रू और भी ज़्यादा मैं इसमें सीखना चाहता हूँ। अभी मैं परफेक्ट नहीं मानता खुद को, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है उसी के थ्रू मैं अपनी आर्ट की जर्नी को और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस वर्थ लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और यही आप लोगों से बात करनी थी। बाकी आप लीजिए रिवील का मज़ा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।